दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी बाइक्स के बारे में जो पाकिस्तान में 2020 में लॉन्च हुई हैं, और ये 70 cc की बाइक्स हैं। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक बेस्ट है और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 बाइक सेलेक्ट की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई हैं और वो 2020 के लिए एक अच्छी जो है वो चॉइस हो सकती हैं। सबसे पहले यूनाइटेड की जानिब से 2 मॉडल्स हैं, जिसमें एक यूनाइटेड का मॉडल है जो कि से आता है आपको ऑल आई के साथ, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं। और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया, तो वहाँ पर जाकर आप इसका डिटेल रिव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बाइक जो है वो यूनाइटेड की 70 cc सिंपल क्लासिक मॉडल आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर कोई अलॉय रिम्स की हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिली, तो ये मॉडल भी काफ़ी अच्छा मॉडल है और इसकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लगभग जो है वो 60+ एवरेज इसकी बाइक की देखने में नज़र आई है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमें इंजन की वारंटी भी देखने को मिलती है, और ये बाइक जो है लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी करती है। इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आसानी से हमें पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और इस बाइक की जो प्राइस है वो 47,000 है। 47,000 के अंदर ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, एवरेज भी काफ़ी अच्छी है ये बाइक आपको देती है। इसकी रीसेल भी कुछ हद तक बेहतर है बाकी तमाम चाइनीज़ बाइक से, और एक स्मूथ ड्राइव भी आपको प्रोवाइड करती है। तो 70 cc मॉडल में अगर मैं तीसरे नंबर पर किसी बाइक को रखूँ तो वो यूनाइटेड के 2 मॉडल आ जाते हैं, जिसमें यूनाइटेड का जो है 70 cc मॉडल क्लासिक मॉडल है, और दूसरा जो है वो यूनाइटेड की जानिब से ही मॉडल है जिसमें हमें अलॉय रिम्स दिए गए हैं, और दोनों की प्राइस में जो है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार का फ़र्क रखा गया है। तो ये जो 2 बाइक मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, ये यूनाइटेड की जानिब से थी, और ये 70 cc में मैं इनको नंबर 3 पर रैंक करता हूँ। और नंबर 3 पर रैंक रखने की यही वजह थी कि इनकी जो है वो सारी क्वालिटीज़ और स्पेसिफिकेशन को जो है वो समझा गया और परखा गया, और उसके बाद ही इसको नंबर 3 पर रखा गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि 2020 में आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है। दूसरे नंबर पर जिस बाइक को मैं रखने जा रहा हूँ वो है रोड प्रिंस की जानिब से, रोड प्रिंस ये मॉडल। और ये मॉडल काफ़ी क्लासिक मॉडल है, अगर आप इसकी लुक के ऊपर जाएं तो काफ़ी स्टाइलिश लुक ये बाइक आपको प्रोवाइड करती है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्लोज करके कैमरा दिखा सकूँ तो ये रोड प्रिंस की ये बाइक 70 cc में एक मज़ेदार लुक आपको देती है। और यहाँ पर जो है जो लोग गोल शेप की जो है वो फ्रंट लाइट को भी पसंद करते हैं, ये ऑप्शन भी उनको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मीटर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में देखने को मिलता है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव मीटर है यहाँ पर इसका, और इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर इसकी आप टैंकी को ऊपर आप देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी और जो है खूबसूरत देखने में नज़र आती है। इसमें जो है वो ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ तो ऑप्शन इसमें कोई ऐसी अपग्रेडेड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें सिंपल दिए गए, लेकिन इसकी टैंकी के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाया गया है। और इसकी फ्रंट लाइट को जब वो गोल लगाया गया है तो ये फ्रंट लाइट्स की काफ़ी अच्छी है, लेकिन बैक लाइट जो है वो इसकी नॉर्मल लाइट्स हैं, लेकिन अगर आप साइड से देखें और फ्रंट लाइट जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा कमाल लगाई गई है, और इसका मीटर भी एक डिफरेंट लुक देता है। यहाँ पर इस बाइक के हवाले से बात करते हैं तो एवरेज इसकी भी काफ़ी ठीक ठाक है, 50+ की इसकी एवरेज है, और जो है 50+ की एवरेज के साथ साथ ये बाइक जो है वो 47,000 की हमें मिल जाती है। 47,000 से लेकर 50,000 के दरमियान इसकी प्राइस रेंज फॉल करती है, जो आपको वेरी कर सकती है प्राइस रेंज, लेकिन 50,000 के लगभग जो है ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर नंबर 1 पर जो बाइक आ जाती है वो हम सबकी जानी और मानी बाइक आ जाती है होंडा की जानिब से, होंडा का 70 cc मॉडल। दोस्तों ये मॉडल 2020 मॉडल है, और अगर 2019 के बारे में मुकाबले में बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ ग्राफिक्स की तब्दीली ही हमें देखने में नज़र आई है, ऐसा हमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पर कंपनी 2020 में काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स आए हैं कंपनी की तरफ से कि भाई यहाँ पर ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, और जैपनीज टेक्नोलॉजी जो है वो इस बाइक में लाई गई है। तो ये बाइक भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बाइक है, और पाकिस्तान की आप जानते हैं कि 70 cc जो होंडा की जानिब से एक 70 cc और होंडा की जानिब से 125, ये दोनों बाइक जो हैं वो मोस्ट सेलिंग बाइक्स में आती हैं। तो यहाँ पर इसके ग्राफिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत निकाले गए हैं और मुझे पर्सनली पसंद आए हैं, और इस बाइक को मैंने पर्सनली यूज़ भी किया है, तो काफ़ी स्मूथ और अच्छी ड्राइव देती है आपको ये बाइक। ब्लैक कलर्स में भी जो है वो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और रेड कलर में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप इसके ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करें तो इसके ग्राफिक्स कुछ जो है वो एक बर्ड नुमा लगते हैं, जैसे बर्ड का एक पर होता है तो उसके नुमा जो है वो इसके ग्राफिक्स देखने को नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर हम इस बाइक की एवरेज के हिसाब से बात करें तो ये तक लगभग जो है वो 60+ की एवरेज आपको ईजिली देगी। कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि वो 80 के लगभग एवरेज क्लेम करती है, लेकिन यहाँ पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो 60+ की एवरेज लाजमी देती है, 60 to 65 की एवरेज आपको ये देगी। पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसानी से आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं,
और यहाँ पर मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर इस बाइक की ना जो भी अगर सर्विस करवाएं तो वो होंडा से करवाएं तो आपको एक बेटर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा होंडा की जानिब से। आपको एक जो उनके शोरूम्स हैं वहाँ पर अगर आप इनके सर्विस सेंटर पर जाएं तो एक आप अच्छी जो अपनी बाइक की रिपेयरमेंट और सर्विस करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने होंडा का कस्टमर केयर सेंटर जो है आपको दिखाया है, जिसमें मैंने कम्प्लीट बताया कि आपको बाइक जो है वो कहाँ से जो है अपनी सर्विस करवानी चाहिए या रिपेयरमेंट का जो भी मसले हैं वो कहां से आपको। तो यहां पर इसकी प्राइस जो है वो 75,500 की है, लेकिन ये बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी बाइक है तमाम बाइक्स के मुकाबले में। इसकी रीसेल भी काफ़ी अच्छी है और पार्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो ये बाइक सर्वाइव भी करती है। इसका इंजन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 3 साल की यहां पर कंपनी इंजन की वारंटी भी देती है। तो ये इसलिए मैं जो है वो तमाम स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इस बाइक को नंबर 1 पर रखा गया है, लेकिन यहां पर एज सच कोई हमें जो है वो एडिशन देखने को नज़र नहीं आया 2019 के मुकाबले में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अच्छी मालूमात शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।